तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पहले हम लोग देखते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्क्रिप्ट मतलब कि लिस्ट ऑफ कमांड जो एग्जीक्यूट होती है स्क्रिप्टिंग इंजन में। स्क्रिप्ट्स आर यूज टू जनरेट डायनेमिक वेब पेज ऑन द वेब। डायनेमिक वेब पेज बनाने में यूज होता है। ये टेक्स्ट एडिटर से बनाया जा सकता है, जिससे अपन एचटीएमएल बनाते हैं वो एडिटर से बनाया जा सकता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसमें दो टाइप है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो हम लोग देखते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इधर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में बहुत सारी वैरायटी है जो डायनेमिक वेब पेज बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट उसमें से एक है जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनती है। ये वेब पेज को अलाइव बना देती है। जैसे अभी अपन अगर HTML में वेब पेज बनाएंगे तो वेब डिज़ाइन कर सकते हैं, वेब पेज कर सकते हैं, लेकिन कोई लॉजिकल चीज़ नहीं कर सकते, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब नहीं कर सकते, या फिर कंडीशन, लूपिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ये सब हम लोग आके सीखने वाले हैं। ये सब हम लोग नहीं कर सकते HTML में, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। और जो जावास्क्रिप्ट है वो HTML के अंदर लिखा जाता है, या फिर अलग से साइड भी बना सकते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब कि जो पूरा कोड है वो आपके सर्वर से कंप्यूटर में आएगा और फिर उसके अंदर लोड होगा। और अभी देखते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड मतलब कि जो सर्वर में जो भी है ना उसका पूरा उधर रन हो जाएगा वो, और आपको HTML देगा आपको, मतलब कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो नहीं देगा, सिर्फ HTML देगा रिटर्न। इसमें एग्जाम्पल है नेट, .NET, PHP, पाइथन। और सर्वर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में एग्जाम्पल है जावास्क्रिप्ट। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को प्लेस करते हैं। क्या देखो, मैंने इधर ये हेड में भी लिखा है और बॉडी में, मतलब दोनों जगह पे लिख सकते हैं। ये हेड में भी लिख सकते हैं, बॉडी में। और जो HTML के टैग है ये मैंने बताया, इधर इसके बीच में लिखते हैं, मतलब जो कोटेशन है उसके बीच में लिखते हैं। इसमें एक बेसिक कमांड है document.write, उसके आगे अपना अगर कोई इंग्लिश का स्टेटमेंट है तो ऐसे डबल कोटेशन में लिखने का है। और सपोज़ अभी इधर पे इंग्लिश का स्टेटमेंट नहीं है, सपोज़ इधर वन दे देते, देखो ये आएगा ही नहीं, देखो वन आएगा। लेकिन अगर वन, अगर इसको ऐसा वन देंगे तो डिस्प्ले तो होगा, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स में डिस्प्ले नहीं होगा, ऐसा होगा। हम लोग टाइप देखेंगे डेटा टाइप, अभी तो सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। तो इसका मतलब कि जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट है वो कहीं पे भी कर सकते हैं। पहले स्क्रिप्ट टैग लगाने का, उसके एट्रीब्यूट यूज करने का, लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, और फिर जो अपना कोड है वो स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। और आपका कोई सवाल है तो मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, उधर भी मैं आंसर देता हूँ। उधर मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, तो मैं उधर भी आंसर देता हूँ। हेलो, तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा जावास्क्रिप्ट को, और अगले वीडियो में हम लोग डेटा टाइप देखेंगे, वेरिएबल्स देखेंगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए।